हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड एक एसेंशियल है सबके लिए, जैसे कि हवा है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो फूड है सबके लिए अवेलेबल हो, सबको एक्सेस कर सके और अफोर्डेबल हो, जिससे कि हर आदमी खरीद सके। ठीक है, यहाँ पर जो फूड अवेलेबिलिटी है, ये कितना फूड अवेलेबल है कंट्रीज़ में, ये बताती है। जो फूड की एक्सेसिबिलिटी है, मतलब है कि फूड कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है। जो फूड अफोर्डेबिलिटी है, वो रिफ़र करता है कि लोग उसे ख़रीद पा रहे हैं या नहीं। जो बफर स्टॉक है, उसे इसलिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो जब खाने की कमी हो जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गई, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, इससे कि जो फूड ग्रेन्स है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे कि फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी इसलिए की जाती है जिससे कि हम लोग भूखमरी या ऐसी समस्या जो आगे होती है उससे रोक सकें। ऐसे बंगाल में 1943 में भी भूखमरी हो गई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग भूख से मर गए थे। हु आर फूड सिक्योर, जो रूरल एरिया होते हैं, जो लैंडलेस और स्मॉल फार्मर होते हैं, या ट्रेडिशनल आर्टिशन होते हैं जैसे ब्लैक स्मिथ, या सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं जैसे वॉशरमैन हो गए, धोबी हो गए, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके फूड इनसिक्योर होता है। अर्बन एरिया में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, या जो जिनकी सैलरी बहुत ही कम है, या जो मजदूरी कर रहे हैं, वो सीजनल वर्कर्स को भी कम वेज मिलती है। जो बच्चे 15 से 5 साल के कम के हैं वो, और जो प्रेगनेंट हैं नर्सिंग मदर्स, वो भी इस कैटेगरी में आती हैं फूड इनसिक्योर की। पर्सन जो अभी तक अपनी डेली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो फूड इनसिक्योर होते हैं। जो लोग कुछ शेड्यूल कास्ट से हैं और ओबीसी से हैं, वो भी फूड सिक्योर नहीं कर पाते। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योर है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो हंगर्स हैं वो इस कैटेगरी में आती है, जिसमें क्रॉनिक और सीजनल। ठीक है, अब देखते हैं सीजनल हंगर क्या होती है। सीजनल हंगर ये टर्म है कि जब कोई पर्सन को काम नहीं मिल पाता है पूरे साल, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है। इस हंगर को तब तक रहती है जब तक कोई आदमी काम ही ना खोज पाए पूरे साल में। और क्रॉनिक हंगर ये हंगर होती है कि जब डाइट और परसेंटली अवेलेबल ही ना हो, क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो, क्वालिटी यानी है अवेलेबल लेकिन बहुत ख़राब क्वांटिटी है या बहुत ख़राब क्वालिटी है। कोई पर्सन की जब लो लेवल ऑफ इनकम होती है, तो वो इस क्रॉनिक हंगर में आता है कि उसके पास इनकम ही नहीं है कि वो खरीद सके। अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये टेबल आपको बताता है कि डिफरेंट ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन्स का इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड 1965 से 1995 जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो बढ़ा है 4 गुना पंजाब और हरियाणा में। ऐसा इसलिए क्योंकि सफिशियंट फूड ग्रेन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाया, जैसे कि PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक। अब देखते हैं बफर स्टॉक क्या होता है। जो फार्मर्स जो अपने फूड ग्रेन्स मिनिमम सप्लाई प्राइस पर सेल कर देते हैं, इसी को हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं PDS क्या है। PDS या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें सरकार फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है पूरे सेक्शन को सब्सिडाइज्ड रेट पर, सस्ते दामों में। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1992 में, जिसमें 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स को हमारी कंट्री में दिया गया था फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना जो गरीबों से गरीबों के लिए है, या अन्नपूर्ण स्कीम्स जो ज़रूरतमंद सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये दो प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2000 में। ठीक है, इनकी ईयर्स आप ध्यान रखना। इसका बेनिफिट लेने के लिए 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, फिर BPL, फिर APL। ठीक है, APL सबके लिए होता है, BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अंत्योदय कार्ड होता है जो बहुत गरीबों के भी गरीब हैं। ठीक है, 5.5 लाख राशन शॉप हैं या फेयर प्राइस शॉप हैं जहाँ पर पूरी कंट्री में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। अब देखते हैं कि करेंट स्टेटस क्या है सिस्टम का। अभी के टाइम में जो PDS है, इसमें सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता अमीर और गरीब में। अमीरों को तो दिया नहीं जाता, गरीब या बहुत गरीब में। ठीक है, अब देखते हैं 1992 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिसाइड किया था कि रिमेम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में, जिसका एम था 1700 ब्लॉक इन कंट्री में पहचाना। ठीक है, दोबारा 1997 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवाइज किया गया, टारगेटेड पब्लिक को किया गया TPDS, जो सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए था सोसाइटी के। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मेरिट क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है PDS का। इससे फूड प्राइस को स्टेबल रखा जा सकता है, इससे लार्ज नंबर ऑफ हंगर को और फेमाइन को रोका जा सकता है, जिससे कि फूड का सरप्लस हो डाइट का। PDS सिस्टम से जो फूड ग्रेन्स है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बफर स्टॉक के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें इजीली फूड खरीद सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे।
फेयर शॉप से, इससे फार्मर्स को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलती हैं। ठीक है, अब इसके डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज क्या है, इस सिस्टम में जो फूड ग्रेन्स है वो स्टोर होते हैं बफर स्टॉक की तरह, जो वेस्टफुल बन जाते हैं क्योंकि जब उनकी क्वांटिटी में हो जाती है या वो फट जाते हैं या सड़ जाते हैं। कभी कभार जो पीडीएस के प्रोडक्ट्स हैं वो गलत तरह से भी डील किए जाते हैं, जिससे कि कुछ लोग ओपन मार्केट करके बेच देते हैं मार्जिन के लिए। अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में। जो कोऑपरेटिव्स हैं वो फेयर प्राइस शॉप्स स्टार्ट करते हैं जो एक कंसेशनल रेट पे होता है। जो एकेडमी है डेवलपमेंट साइंस की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्ड करती है प्रोग्राम्स की फॉर फूड सिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। ये फैसिलिट करता है एक नेटवर्क एनजीओ का जो बैंक सेट करता है ग्रेन्स का, और ये सक्सेसफुल फूड सिक्योरिटी करता है। तमिलनाडु में 94% फेयर प्राइस शॉप हैं जो कोऑपरेटिव्स के थ्रू रन की जा रही है। मदर डेयरी एक सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव के मिल्क और वेजिटेबल दिल्ली में, और अमूल एक सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव की मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की गुजरात में। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 2004 में, जिसमें 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कंट्री के तहत किया गया था काम। ये प्रोग्राम रूरल पीपल के लिए था जो नीडी हैं, जिनकी वेज एम्प्लॉयमेंट है, जो चाहते हैं कि अनस्किल्ड वर्क है। इसका एम था कि जनरेशन करना सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट का। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इस प्रोग्राम में फूड ग्रेन्स स्टेट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल ऑफिसर था जो कलेक्टर था इस प्रोग्राम में। अब देखते हैं अंत्योदया अन्न योजना AAY। ये योजना स्टार्ट हुई थी 2000 दिसंबर में। 1 करोड़ पुअरेस्ट अमंग द बिलो पॉवर्टी लाइन को इसमें दिया गया था पीडी सिस्टम। इस प्रोग्राम में पुअरेस्ट भी मैंने गरीबों में गरीब पीपलों को आइडेंटिफाई किया गया था जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और 2 करोड़ फैमिली को कवर किया गया था इसके थ्रू, और इंक्रीमेंट हुआ था 50 लाख का जून 2003 में और अगस्त 2004 में। अब देखते हैं सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी एक फाइनेंशियल एड है जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है प्रोड्यूसर को फिक्स करने के लिए प्राइस का कमोडिटी को। जैसे सब्सिडी गैस है, इसकी दाम महंगी है तो कुछ पैसे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जिससे कि महंगाई को घटाया जा सके और जो एक प्राइस को फिक्स करा जा सके। इससे प्राइस गिरता है और सब्सिडी प्रोडक्ट का मेंटेन होता है प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। तो हमने इस नोट्स में सब कुछ कवर कर लिया है चैप्टर का। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नोट्स के बाद आप एक बार NCERT रीड कर लें और NCERT के बैक क्वेश्चंस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।